हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू सी वंस अगेन सम लुब्रिकेंट्स रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी एंड बाइंडिंग एनर्जी। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी from a certain planet whose mass is four times that of the earth and radius is two times that of the earth। मतलब यहाँ पे हमें एक ऐसा planet दिया हुआ है जिस planet का mass earth के mass के comparison में four times है और उसकी radius earth के radius के comparison में two times है और उस planet के surface से किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ये अपने को यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है डिटरमाइन करना है। एंड द गिवन इज द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो लेट अस सी हाउ दिस सॉल्व। सपोज दिस इज आवर प्लैनेट एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। This is the planet and this is the gravitational field of the planet and this is our body and we want to find the escape velocity of a body from the surface of the planet। तो यहाँ पे planet के surface से body की escape velocity कितनी है ये मुझे यहाँ पे क्या करना है determine करना है। और यहाँ पे earth के surface के लिए escape velocity which is constant 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये ऑलरेडी गिवन है। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी या अर्थ के सरफेस से किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी ये गिवन दिए भी है और प्लैनेट के सरफेस से किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी मुझे यहाँ पे क्या करना है फाइंड आउट करना है। और कंडीशन दिए भी है कि ये जो प्लैनेट है इस प्लैनेट का जो मास है इसका जो मास है ये यहाँ पे कितना है अर्थ के मास के कंपेरिजन में 4 टाइम्स है और इसकी जो रेडियस है ये अर्थ के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है। द मास ऑफ द प्लैनेट इज 4 टाइम्स एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स। इन सच सिचुएशन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अ सर्टेन प्लैनेट। वी नो दैट द जनरल फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस gm अपॉन r। v इज इक्वल टू अंडर रूट twice gm upon r। Therefore v dash that is the escape velocity it is equal to under root twice g instead of m we write m dash instead of r we write r dash and by putting the values of m dash and r dash under root twice g m dash ke liye kya likhenge apan 4m r dash के लिए क्या लिखेंगे अपन ट्वाइस आर। ओके सो हियर v dash इज इक्वल टू अंडर रूट ट्वाइस g 4l अपॉन ट्वाइस आर। अब यहां पे अपने वो क्या करना है ये फॉर्मूला जो है इसका जो 2 है इसको अपन बाहर निकाल देंगे। यहां पे क्या आ जाएगा ये 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है तो यहां पे क्या आ जाएगा रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस gm अपॉन r ये एज इट इज रहेगा अंडर रूट ट्वाइस gm अपॉन r ये एज इट इज रखेंगे अपन और ये जो 2 आ गया है इसको अपन साइड में निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा रूट 2। सो v डैश इट इज इक्वल टू रूट 2 v डैश इज इक्वल टू रूट 2 इनटू अंडर रूट ट्वाइस gm अपॉन r। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ट्वाइस gm अपॉन r it is nothing but 11.2 किलोमीटर पर सेकंड एंड देयरफॉर v dash it is equal to root 2 into 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। द वैल्यू ऑफ root 2 इज नथिंग बट 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 11.2 एंड देयरफॉर v dash इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 15.5 किलोमीटर पर। ओके
तो इस तरीके से हम यहां पे वी डैश की वैल्यू क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। वी डैश की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 15.5 या 15.8 के आसपास वहां पे आ रही है। तो इस तरीके से एक प्लेनेट के सरफेस से हम किसी भी बॉडी की एस्केप वेलोसिटी यहां पे क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 15.5 वहां पे अप्रोक्सीमेटली 15.8 आ रही है, तो 15.8 किलोमीटर पर सेकंड, इज दैट क्लियर। तो ये जो सम था इसके अंदर मास और रेडियस इनके बीच में का कंपैरिजन अपने को दिया हुआ था, मतलब एक अनदर प्लेनेट दिया हुआ था, उस प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, उसकी जो रेडियस है वो अर्थ के कंपैरिजन में ट्वाइस आ है। तो ऐसे सिचुएशन में उस प्लेनेट के सरफेस से उस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, ये अपने को यहाँ पे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, इसको ओरिजिनल फॉर्म में यानी अंडर रूट 2 जी अपॉन आर इसके फॉर्म में यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सो वी डैश इज इक्वल टू रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 जी अपॉन आर, सो इज इक्वल टू वी डैश इक्वल टू रूट 2 इंटू द वैल्यू ऑफ वी अंडर रूट 2 जी अपॉन आर इज नथिंग बट 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एंड देयरफॉर वी डैश इज इक्वल टू 15.8 किलोमीटर पर सेकंड, इज दैट क्लियर। The escape velocity from the surface of the earth is 11 km per second and it is given that the density of the planet is 2 times that of the density of the earth and the radius of the planet is also 2 times that of the earth. So we want to find the escape velocity from the surface of the planet. Let us see how we can solve it. Suppose this is our planet, this is our planet, and it is given that density of the planet, it is equal to 2 times density of the earth, radius of the planet is equal to 2 times radius of the earth. We want to find the escape velocity from the surface of the planet. ये जो planet है, इस planet के surface से body की escape velocity क्या होगी, ये अपने को find out करना है और ये अपने को condition दी हुई है। ऐसे situation में अपन directly formula use करेंगे which is given in the form of mean density. So v it is equal to twice r, v it is equal to twice r under root 2 pi g upon rho, v is equal to twice r under root 2 pi g upon rho. So यहां पे v dash की जो formula आ जाएगा twice r dash, twice r dash into under root of 2 pi g upon rho dash, मतलब यहाँ पे r और यहाँ पे rho है earth के लिए, यहाँ पे planet के लिए r dash और rho dash। अब यहाँ पे 2 radius कितनी है, double है, तो 2 times है 2 pi g upon rho dash के लिए क्या आएगा अपना, twice r dash, तो ये इस तरीके से भी लिखेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में रूट टू है इसको अपने को क्या करना है, बाहर लेना है। तो कैसे लेंगे, सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2, ये चीज ध्यान में रखिए, ये 2 और ये नीचे का जो रूट 2 है वो अपन ने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो 2 अपॉन रूट 2 इंटू ट्वाइस आर इंटू 2 pi g upon root, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के फॉर्मूलास को अपन ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो 2 upon root 2 into twice r into 2 pi g upon root, सो इट इज इक्वल 2 by root 2 इज नथिंग बट root 2, 2 by root 2 इज नथिंग बट root 2 एंड twice r under root 2 pi g upon root which is already given 11 किलोमीटर पर सेकंड, v is given 11 किलोमीटर पर सेकंड, सो देयरफॉर रूट 2 इनटू 11, सो इट इज इक्वल टू 1.414 इनटू 11 व्हिच इज इक्वल टू 15.5 किलोमीटर पर सेकंड। सो मतलब यहां पे अपने को प्लेनेट की डेंसिटी
अपने को अर्थ के डेंसिटी के कंपैरिजन में डबल दी हुई थी, प्लैनेट की रेडियस अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में डबल दी हुई थी, और ऐसे सिचुएशन में उस प्लैनेट के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी किसी भी बॉडी की क्या होगी, ये अपने को यहाँ पे क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सो इसलिए अपन ने यहाँ पे डायरेक्टली एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो डेंसिटी के फॉर्म में यूज किया, वी इज इक्वल टू वाई स्टार अंडर रूट 2 पाई जी अपॉन रो, देयरफॉर वी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस आर डैश अंडर रूट 2 पाई जी अपॉन रो डैश। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर डैश एंड रो डैश वी गेट दिस शेप एंड देयरफॉर वी टेक रूट 2 डिनोमिनेटर, सो 2 अपॉन रूट 2 इनटू ट्वाइस आर अंडर रूट 2 पाई जी अपॉन रो, सो 2 अपॉन रूट 2 इज नथिंग बट रूट 2, 2 upon root 2 is nothing but root 2 and therefore root 2 into 11, so root 2 की value अपने को पता है 1.414 into 11, so v dash is equal to 15.5 kilometer per second। so इस तरीके से जब अपने को density और radius का comparison दिया हुआ है, या density और radius अपने को planet की और radius earth के साथ में comparison दिया हुआ है, तो उस situation में अपन directly ये formula utilize करना है instead of long formula, long step। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके अपन इजीली शॉर्टकट टेक्निक से 15.5 किलोमीटर मतलब वी डैश की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके थैंक यू। देन द नेक्स्ट सम इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी from the surface of the earth is v, the escape velocity from the surface of the earth is v, if we project a body by a certain angle with the vertical, then what will be the escape velocity of the body from the surface of the earth। मतलब इस numerical में अपने को क्या दिया हुआ है कि एक body की escape velocity अर्थ के सरफेस से v है, तो उस बॉडी को अगर अपन इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि जहाँ पे उस बॉडी की वेलोसिटी ने वर्टिकल के साथ में एक सर्टन एंगल फॉर्म किया हुआ है, फॉर एग्जांपल थीटा इतना एंगल फॉर्म किया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में उस बॉडी की एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। ऑलवेज रिमेंबर दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट इज एंगल। Whatever may be the direction of projection, whatever may be the direction of projection, escape velocity of the body from the surface of the planet always remains constant. Escape velocity of a body from the surface of a planet always remains constant. It is always independent of angle of projection. It is always independent of angle of projection. Is that clear? Then the next thing, if earth stops the rotation, then what will be the value of acceleration due to gravity, what will be the acceleration due to gravity, or what will be the change in acceleration due to gravity at the pole। कि अगर earth ने rotational motion जो perform करना है उसको stop कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन में अर्थ का जो पोल है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो वो पोल के पास में अगर कोई बॉडी रखी है, तो उस बॉडी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वहां पे कितना चेंज आएगा, ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लेंगे रोटेशन का। फॉर व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग देन जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कोई बॉडी रोटेट हो रही है, या कोई बॉडी अर्थ के सरफेस के ऊपर है, और ऐसे कंडीशन में उस बॉडी का एंगल अगर थीटा है वर्टिकल के साथ में या इक्वेटर के साथ में, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का जनरल फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। In this case, it is given that the body is already at the pole. In this case, it is given that
द बॉडी इज ऑलरेडी एट द पोल, तो पोल के पास में बॉडी होने की वजह से यहाँ पे थीटा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 कितना हो गया, जीरो हो गया। कॉस 90 जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म कितनी हो गई, जीरो हो गई। एंड देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू जी। इसका मतलब कि जब भी कोई बॉडी पोल के पास में है तो उसके ऊपर अर्थ के रोटेशनल मोशन का, रिमेंबर अर्थ के रोटेशनल मोशन का किसी भी टाइप का इफेक्ट नहीं होता है। देर इज नो वेरिएशन इन द वेट ऑफ द बॉडी, देर इज नो वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो द चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल इज ऑलवेज जीरो इफ अर्थ स्टॉप्स द रोटेशनल मोशन। व्हाट इट कंसेप्ट ख्याल में आ गया। यहां पे अपने को पोल के पास में एक बॉडी दी हुई है और पोल के पास में जो बॉडी दी हुई है उस बॉडी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज आया है, ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अगर वो बॉडी पोल के पास में है तो जनरली फॉर्मूला अपने पास में अवेलेबल है, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बट सिंस द बॉडी इज एट द पोल, थीटा इज इक्वल टू 90 एंड देयरफॉर जी डैश इज इक्वल टू जी, बिकॉज दिस टोटल टर्म बिकम्स जीरो व्हेन द बॉडी इज एट द पोल, either north pole or south pole, okay?